नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं प्रकाश होता दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप उत्कर्ष ऐप को मिरर कास्ट कैसे कर सकते हैं। दिया दोस्तों, हाल ही के अपडेट के अंदर उन्होंने एक नया फंक्शन दिया है कि आप अपने मोबाइल को एक टीवी के अंदर मिरर कास्ट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों ऑडियो और वीडियो दोनों को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ से रिलेटिव बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, ये ऑप्शन है वो किस तरीके से काम करता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटिव बात करूंगा। और दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं कि हाल ही में उन्होंने एक नया बुक वगैरह, स्कूल कोर्स वगैरह और भी ऐड किए, यानी कि एक तो आपको गवर्नमेंट यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह है उन पे तो अभी बहुत ही खतरनाक तरीके का 90% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। और दोस्तों, काफ़ी सारी बुक पर भी अलग से इन्होंने अभी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। जो लोग उत्कर्ष ऐप को चलाते हैं या बाद में उनका इस्तेमाल वगैरह करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से अभी जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप बुक परचेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको एक साल का पैकेज नहीं बल्कि 60 दिन का, 90 दिन का पैकेज अलग से आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप उस स्कूल से रिलेटिव, यानी कि इन्होंने अभी जो नया अपडेट के अंदर स्कूल का भी बुक वगैरह ऐड कर दिया है, जो कि 6 to 12 तक का पूरा जो कोर्स है वो पूरा का पूरा उत्कर्ष ऐप के अंदर ऐड है। तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इन कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, क्या आपको कोई अलग से नंबर वगैरह चाहिए होगा या नहीं होगा, वो उस वीडियो के अंदर मैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप बताऊंगा कि आप मिरर कास्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी अपनी स्कूल अपने मोबाइल से कोई एलईडी टीवी हुई है उसके अंदर। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले तो आपका मोबाइल का जो वर्जन है वो अपडेट होना चाहिए, यानी कि आपको एक लेटेस्ट मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर ये कास्ट का ऑप्शन होना चाहिए। काफी सारे मोबाइल है जिसके अंदर कास्ट का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो मिरर कास्ट का ऑप्शन है या नहीं है। तो दोस्तों, जिन मोबाइल के अंदर नहीं है तो दोस्तों आप भले कितने भी कोशिश कर ले उस मोबाइल से मिरर कास्ट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, आपके पास तो या तो एक लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर भी जो लेटेस्ट लैपटॉप है वो क्या है कि पुराने जो लैपटॉप है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब जो लैपटॉप आ रहे हैं 2017-18-19-20 से या उससे भी थोड़े से पुराने जो कि हाई मॉडल वगैरह है तो उनके अंदर भी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, यानी कि आप अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसे आप लैपटॉप के अंदर बड़े ही आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ लैपटॉप से रिलेटेड। वैसे ही आपके पास एंड्रॉयड टीवी वगैरह होनी चाहिए। नॉर्मल सी टीवी अगर आपके पास है तो वो दोस्तों काम नहीं करेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है और उसके अंदर वाईकास्ट का अगर ऑप्शन है तो आप अपनी स्क्रीन है उसे आप बड़ी आसानी से अगर आप शेयर कर पाते हैं, एंड्रॉयड एलईडी टीवी वगैरह हुई तो दोस्तों उसके अंदर इस ये जो ऐप है वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप अपनी जो नॉर्मली स्क्रीन शेयर वगैरह करते हैं उसके अंदर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास स्क्रीन शेयर या बाद में एलईडी टीवी नहीं है या एंड्रॉयड टीवी नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनके पास पुरानी एलसीडी है जो जिसके पीछे एचडीएमआई लगती है, उसी तरह अमेजोन पर एक क्रोम कास्ट का एक डोंगल मिलता है, वो एक एचडीएमआई पिन के साथ में मिलता है, जिससे क्या है कि आप अपने टीवी के पीछे लगा सकते हैं उसको और जैसे आप उससे कनेक्ट करेंगे एचडीएमआई, जिसके पीछे एचडीएमआई का पोर्ट हो, वो कह रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ उसी एलसीडी का कह रहा हूँ या एलईडी टीवी का कह रहा हूँ जिसके पीछे एचडीएमआई का पोर्ट हो, जिसके अंदर क्रोमकास्ट का वो पिन जो एडाप्टर है वो कनेक्ट होगा और जिससे आप अपने मोबाइल से मिरर कास्ट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, रही बात, ये तो हुआ कि भाई किस तरीके से ये सेटअप वगैरह होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे मोबाइल के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि आप वो जो मिरर कास्ट वाला ऑप्शन है वो किस तरीके से काम करता है और हाल ही में ये ऑप्शन काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, सिंपली आपको जब उत्कर्ष ऐप ओपन करोगे तब आपको एक साइड के अंदर एक मिरर कास्ट का बटन आपको दिख रहा होगा। मेरे पास एक J7 मोबाइल है जिसके अंदर ये जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है,
क्योंकि उसके अंदर मिररर कास्ट का जो ऑप्शन है वो नहीं है, यानी कि मैं इस मोबाइल से मिररर कास्ट नहीं कर सकता। मेरे पास एक और मोबाइल है, ये है MI का नोट 7S, जिसके अंदर ये फंक्शन है वो आसानी से रन कर रहा है। तो जैसे आप इस फंक्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली एक यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले लिखा हुआ है, यहाँ पे इनेबल का बटन है। जैसे ही आप इसे इनेबल करोगे तो आपके जो एंड्रॉयड TV है उसके अंदर भी ये वाला फंक्शन है, उसे इनेबल करना होगा। और जैसे आप डिस्प्ले है कनेक्ट करोगे तो ये जो मिरर कास्ट है वो एज इट इज़ का आपको एक बड़ी स्क्रीन के अंदर ऑडियो और वीडियो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि अभी तक उत्कर्ष वालों ने इसे इनेबल नहीं किया है, जिसके कारण क्या है कि आप अभी इस चीज़ को TV पर नहीं ला पाएंगे, सिर्फ ऑडियो ही सुनाई देगी आपको, वीडियो वहाँ पर शो नहीं होगी। तो आने वाले अपडेट के अंदर इस चीज़ को फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि जो स्क्रीन कास्ट का जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ही आप स्क्रीन कास्ट पर करेंगे तो आपको सिर्फ ऑडियो ही सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर अभी काम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर या फिर ये कहे कि कुछ दिनों के बाद में वापस एक नया अपडेट आने वाला है। इस अपडेट के अंदर आपको जो ये ऑप्शन है उसे जो ये वाला जो प्रॉब्लम आ रही है वीडियो वगैरह और तो इससे रिलेटिव भी उसके अंदर काफ़ी सारी जो मीटिंग्स वगैरह हो रही है। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर ये जो मिरर कास्ट का ऑप्शन है वो आपको दे दिया जाएगा। और मैं दोस्तों ये कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है एक और अपडेट, इस अपडेट के अंदर ये जो बग्स है वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही अपडेट आएगा आपको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरीके से आप इन जो मिरर कास्ट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए, ताकि क्या है कि जैसे ही वो अपडेट आए और किस तरीके से मिरर कास्ट करना है उसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।